subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया पहले 1 से 10 तक का ऑब्जेक्टिव देख लें, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि तरंग। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 13, बादलों का तैरने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है घनत्व यानी कि डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, क्यूसेक मापता है, क्यूसेक जल के बहाव को मापता है, जैसे नदी वगैरह में जब पानी को बताना होता है तो उसको क्यूसेक में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा अपरक्त किरण, जिसे इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम एनर्जी से संबंधित है यानी कि ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, KWH मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, में डायनामो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। डायनामो का ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, मतलब इसका उत्तर आपको बताना अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो सही उत्तर अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 21, मोटरसाइकिल में उपयोग किया जाने वाला दर्पण है, मतलब साइड मिरर जो रहता है बाइक वगैरह में, मोटरसाइकिल कार सब में, वो कौन सा दर्पण होता है? तो सही उत्तर है उत्तल दर्पण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसे नोट कर ले, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? जो यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे उनको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक टेस्ला है। 24, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रूस्टर नियम है, तो इसका समीकरण लिखना था μ = 10 IP। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है 25। सोनार में किसका उपयोग किया जाता है? सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंग। सभी को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सबको याद करना है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो पिछला वीडियो देख लें।